कनाडा में डॉक्टर अंबेडकर का जलवा। डॉक्टर अंबेडकर पर हो रहा इंटरनेशनल जमावड़ा। In his village school, he was not allowed to sit inside the classroom with other children. 6 दिन तक बाबा साहेब के विचारों पर होगा महामंथन। जैसे कनाडा की जाति के विरुद्ध लड़ने वाली जो संगठना है, उन्होंने इकट्ठा करके एक अकादमिक और अकादमिक के साथ पॉलिसी और पॉलिसी के साथ कल्चर और पॉलिटिकल लेवल पर किस तरह से चेंज लाया जा सकता है, केवल भारत में नहीं बल्कि कनाडा में। कनाडा में गूंजेगा जय भीम का नारा। एक वक्त था जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत में भी बहुत कम लोग जानते थे। मनवादियों ने तमाम साजिशें रची और डॉक्टर अंबेडकर को गुमनामी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन अब बाबा साहेब का नाम जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बन चुके हैं। आज दुनिया भर में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। अप्रैल को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया जा रहा है और डॉक्टर अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अंबेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर इमेंसिपेशन का आयोजन किया जा रहा है। 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक यानी पूरे 6 दिन तक कनाडा में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, उनके संघर्ष और प्रबुद्ध भारत के उनके विजन पर दुनिया भर के बुद्धिजीवी मंथन करेंगे। कनाडा में होने वाले सिंपोजियम के जरिए पूरी दुनिया में बाबा साहेब के विचारों की गूंज सुनाई देगी। इस सिंपोजियम में दुनिया भर के बुद्धिजीवी एकजुट हो रहे हैं। एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़े शिक्षक, एक्टिविस्ट, पत्रकार और स्कॉलर इस सिंपोजियम में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर इमेंसिपेशन की अहमियत आप उन्हीं लोगों से सुनिए जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। दुनिया भर के अंबेडकरवादियों में अंबेडकर जयंती का खासा उत्साह है। कनाडा के वैंकूवर के अंबेडकरवादी इसे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर इमेंसिपेशन एंड इक्वालिटी डे के रूप में मना रहे हैं, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुक्ति और समानता दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है कनाडा में और कनाडा का वैंकूवर शहर में। कार्यक्रम 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा और अंबेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी AICS ये दोनों संगठन मिलकर कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शामिल होने के लिए अंबेडकरवादी पहुंच रहे हैं। इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए तमाम सिद्धांतों पर लगातार 6 दिनों तक अलग अलग विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें बुद्धिज्म से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए समानता के सिद्धांत पर भी चर्चा होगी और इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। कनाडा में जो 2030 अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कॉन्फ्रेंस का महत्व 20 साल बाद हम ये कॉन्फ्रेंस फिर से आयोजन हो रहा है। 2003 में इसी प्रकार का वैंकूवर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था वैंकूवर शहर में। 20 साल के बाद इसका पुनः जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आज इसके हिसाब से यहाँ पर कनाडा में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का महत्व यह है कि यहाँ पर 6 संगठन, गैर अंबेडकरी संगठन इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ दो प्रमुख संगठनें चेतना और AICS, जैसे कनाडा की जाति के विरुद्ध लड़ने वाली जो संगठना है, उन्होंने इकट्ठा करके एक अकादमिक और अकादमिक के साथ पॉलिसी और पॉलिसी के साथ कल्चर और पॉलिटिकल लेवल पर किस तरह से चेंज लाया जा सकता है, केवल भारत में नहीं बल्कि कनाडा में। कनाडा में भी आप जानते हो, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले में ये निर्णय आया था कि जाति को लेकर जो 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 घटनाएं हुई थी, चमार शब्द को लेकर जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वैंकूवर में, उसके खिलाफ कोर्ट ने अभी, उसके संदर्भ में कोर्ट ने अभी उनका जो है अनाउंस किया है रिजल्ट। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजन होता है वह अपनी स्थिति को आकलन करने के लिए सहयोग करता है। तो आप अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सम्मेलन करने जा रहे हैं तो आप लोकल लेवल पर क्या क्या आपने प्राप्त किया और आपको क्या प्राप्त करना है, इसका आकलन करेंगे। और दूसरी प्रकार आप अपने समाज को, अपनी छवि का भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि देखो हमने कितनी सिंपल वे में शुरू किया था और हम आज कहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर रविदासी गुरुद्वारा महासभा का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी जिसमें
मान्यवर घासीराम की भी फोटो है और मायावती जी की भी फोटो है और वहां पर बाकायदा डिस्कशन और डिबेट भी होता है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक भव्य छवि का, सकारात्मक छवि का जो सृजन किया है कनाडा के वासियों ने, और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका आंदोलन काफी सशक्त है और आगे बढ़ रहा है। कनाडा में 1906 में पहली बार प्रवासी भारतीय पहुंचे थे। 20 साल पहले कनाडा में यानी 2006 में इसकी शताब्दी मनाई गई थी। कनाडा में बस चुके भारतीयों ने अपनी तरक्की और खुशहाली का भी जश्न मनाया था, लेकिन इस दौरान बहुजन भारतीयों ने कनाडा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भी स्थापित कर दिया। कनाडा जाने वाले सवर्ण भारतीय अपने साथ जाति की बीमारी भी ले गए और वहां बसे दलित भारतीयों के साथ जातिगत भेदभाव करना शुरू कर दिया। लेकिन दलित बहुजन समाज ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया और जाति के खिलाफ कनाडा में भी लड़ाई छेड़ दी। अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा जैसे अम्बेडकरवादी संगठनों ने कनाडा के काउंसिल सदस्यों और नेताओं को जाति से जुड़े मसलों पर न सिर्फ जागरूक किया बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे भी घोषित कराने में कामयाबी हासिल की। कनाडा के प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में बाबा साहेब के जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे घोषित किया गया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर प्रोक्लेमेशन भी जारी कर दिया गया। कनाडा के बर्नबी शहर में भी बाबा साहेब की जयंती को समानता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कनाडा और दुनिया भर में बसे अम्बेडकरवादियों के लिए ये गर्व की बात है। पिछले दिनों लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से विधायक राज चौहान ने भरे सदन में महामानव बाबा साहेब के योगदान के बारे में भी पूरे कनाडा को बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 14, 1891 इन अ स्मॉल टाउन इन सेंट्रल इंडिया इन अ कम्युनिटी ऑफ सो कॉल्ड अनटचेबल्स। इन हिज विलेज स्कूल ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इनसाइड द क्लासरूम विद अदर चिल्ड्रन। ही वाज अ वेरी ब्राइट student and graduated from the school with the highest possible marks. He received a scholarship which allowed him to go to college. After receiving another scholarship, he went to the USA for higher studies. There he got his first master's degree in economics from the Columbia University in New York. Later he got another MA and his first PhD. He then enrolled in the London School of Economics and received his second PhD. In a few years, he earned 3 MAs and 4 PhDs. After returning from abroad, he started an active movement against the untouchability. In 1927, he led a march to establish the rights of untouchables, also known as Dalits, to drink water from the same water tank like anybody else. That marked the beginning of the anti-caste movement challenging the rigid class system in India. In 1942, he was appointed a member of the Viceroy's Executive Council, which allowed him to bring legislative changes to protect the rights of Dalits. After India's independence in 1947, Dr. Ambedkar, also known as Baba Saheb, became the first law minister and chaired the committee to draft India's constitution. All his life, he fought for the rights of Dalits, women, and workers around the globe. On April 13th, at the UN headquarters, his 125th birth anniversary was celebrated by more than 500 diplomats, academics, and other international dignitaries. He continues to remain an inspiration for millions of people in the world seeking equality and social justice. JAPI. डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर इमेंसिपेशन जैसे कार्यक्रम इस बात का सबूत हैं कि कैसे अब पूरी दुनिया इंसानियत, मानवाधिकार, महिला अधिकार, राष्ट्र निर्माण, समानता, बंधुता और न्याय को स्थापित करने के लिए किए गए बाबा साहेब के कामों को न सिर्फ स्वीकार कर रही है बल्कि उनका जश्न भी मना रही है। कनाडा के सभी अम्बेडकर वादियों को द न्यूज बिग डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर इमेंसिपेशन के आयोजन के लिए बधाई देता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें, आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आप बताएं कि अमेरिका और कनाडा में होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों को आप किस तरह से देखते हैं। साथ ही आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।